कोरोना वायरस के प्रकोप का सामना करने के बाद अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक और नई संक्रमण बीमारी मंकी पॉक्स का डर सता रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कोरोना महामारी के बाद अब एक और नई संक्रामक बीमारी का डर दुनिया को डरा रहा है। वहीं इस बीमारी को मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। ये बीमारी दुनिया के कई देशों में आतंक फैलाने के बाद अब भारत में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि बाहर से आने वाले लोगों का विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही दिल्ली से आने वाली गाड़ी में जो यात्री आ रहे हैं उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन में चेक कर घर भेजा जा रहा है। कोई भी लक्षण देखने से उसे तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। वहीं स्किन की बीमारी वाले मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस रहेगा। मंकी पॉक्स के प्रारंभिक लक्षणों में बुखार के साथ सिरदर्द, कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं। यह एक प्रकार का वायरस है जो बीमारी वाली व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति के चेहरे, हथेलियों व पैरों के तलवे में चकते नजर आते हैं, जिनका असर 2 से 4 सप्ताह तक रह सकता है। इस संबंध में मीडिया के समक्ष जिला स्वास्थ्य अधिकारी जेपी मेश्राम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंकी पॉक्स संभावित प्रकरणों के लिए राज्य शासन से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। मंकी पॉक्स जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंध क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी, और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 2022 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी अभी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। हमने इसके लिए इसके सामान्य जो लक्षण हैं वो लक्षण जो हैं वो सामान्य बुखार और चकते और लिम्फ नोड जो हैं उन पर सूजन आना, ये इसके लक्षण हैं। लेकिन यह एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ भी है जो स्वतः ही ठीक हो जाती है, 2-4 सप्ताह में अपने आप ही इसके लक्षण भी समाप्त हो जाते हैं। हम ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो बाहर के देशों से, जो ऐसे संभावित देश हैं उन देशों से आ रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग के लिए हमने टीम एयरपोर्ट पे लगा के रखी। सर, बचाव के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? बचाव के लिए हमारे पास ये प्रयास है कि हमें अगर ऐसे केस मिल जाएंगे तो हम उनको तुरंत ट्रीटमेंट भर्ती करके ट्रीटमेंट करेंगे, और जो भी इसका संक्रमण अगर अगल बगल में लगेगा तो उसके लिए हम उनकी भी व्यवस्था हमारे पास है। मंकी पॉक्स वायरस जो है उसका संक्रमण पशु से मनुष्य में और मनुष्य से मनुष्य में फैल सकता है, इसलिए हम इसको इसके जो संक्रमण है वो लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो होते हैं उससे फैलते हैं। तो इसके निकट में जो भी जिस व्यक्ति को संक्रमण होगा उसके पास में जो भी व्यक्ति रहेगा उसको भी संक्रमण फैलेगा। तो हम इसके लिए फिर उन व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती करेंगे, बाकी लोग जो हैं उनका हम सर्वे करवाएंगे, इसकी व्यवस्था हमारे पास है। विगत 2 वर्षों से कोरोना का दंश झेलने के बाद अब यह नई बीमारी लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देखना होगा कि इस बीमारी को लेकर प्रदेश सरकार किस तरह का रुख अपनाती है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।